हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिव विद मदिरा। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको रेसिपी में दिखाऊंगी मावा मोदक। गणेश चतुर्थी के दिन स्पेशली आप बना के ट्राई करिए मावा मोदक। तो चलिए अब हम बनाते हैं। मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसके अंदर मैंने डाला है 250 ग्राम ऑफ फ्रेश खवा और मावा, आप जो चाहिए बोल सकते हैं। अभी हम इस मावा को है ना धीमे आंच पे कढ़ाई में भून लेंगे, जब तक कि इसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो अब्सॉर्ब नहीं होता है। हाँ जी, फ्रेश मावा में थोड़ा सा वाटर कंटेंट रहता है। आप अगर ऐसे उसके अंदर शुगर ऐड कर दोगे ना, वो मोदक का शेप नहीं लेता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको है ना धीमे आंच पे कंटिन्यूस आपको चलाते रहना है। केयरफुली चलाएगा क्योंकि गर्म भी रहता है तो आपको लगने की चांसेस बहुत रहता है। सो कंटिन्यू चलाते रहिएगा, चलाते चलाते नो वाटर अब्जॉर्ब होने तक आपको चलाना है और वो शेप फॉर्म ले लेगा मावा। तो आपको पता चल ही जाएगा कि हाँ अभी ये रेडी है इसके अंदर। और कंटिन्यू चलाते रहेगा, नहीं तो जलने की चांसेस बहुत रहते हैं। अगर थोड़ा सा भी लग गया ना जलने की ना, मावा में वो स्मेल आ जाता है, बाद में वो मज़ा नहीं आता मोदक खाने में। सो ध्यान रखिएगा और धीरे आंच पे कंटिन्यू सा चलाते रहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मावा शेप में आ रहा है, इट मीन्स कि ये जो वाटर कंटेंट था वो ऑब्जर्व हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा सैफ्रॉन। सैफ्रॉन मैंने मिल्क में थोड़ा सा भिगो के रखा हुआ था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। देख सकते हैं यहाँ पे रेडी है मेरा मावा। तो अब मैं उसे है ना एक अलग से प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब मैं ना इसे थोड़ा सा ऐसे स्पून से या स्प्रेड करके रख दूँगी, है ना जल्दी से ठंडा हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी, आपको रखना है तो रखिए, बस ये टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक है। थोड़ा सा आप स्प्रेड करके इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए साइड पे। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद देखिए यहाँ पे मावा पूरा ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शुगर। शुगर मैंने यहाँ पे 125 ग्राम पाउडर शुगर लिया है। ध्यान रखिएगा 250 ग्राम ऑफ खवा है और 125 ग्राम ऑफ पाउडर शुगर है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ऐड करिए, एक ही साथ मत ऐड करिएगा। और मैं डरिएगा मत, मैं यहाँ पे अच्छी तरह से हैंड वॉश करके आई हूँ। सो यू नो मैं प्रिफर करती हूँ हाथों से मिक्स करने के लिए। तो यू नो कई बार स्पून यूज़ करने से ना काम में ना जल्दी नहीं ख़त्म होता है, बढ़ ही जाता है, तो इसके लिए हाथ ही यूज़ होते हैं। तो धीरे से आप इसको मिक्स करिए। अब उसके अंदर ऐड करिए थोड़ा सा इलायची पाउडर। ध्यान रखिएगा पाउडर शुगर के कोई लम्स ना बचे, तो अच्छी तरह से उसे आप मिक्स कर लीजिए। अब हम इसे ना रेफ्रिजरेट कर देंगे 4 आवर्स के लिए, क्योंकि हमने इसके अंदर शुगर ऐड किया है। अगर आप शुगर ऐड कर दोगे तो शुगर का पानी छूटेगा ही, तो सेम केस है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा रेफ्रिजरेट कर दीजिए 4 to 6 आवर्स के लिए। तो आफ्टर रेफ्रिजरेट तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मावा का कंडीशन, इट इज़ परफेक्टली रेडी फॉर दी मोदक। तो मैंने यहाँ पे एक मोल्ड लिया है, इसे ऑनलाइन ही मिलता है या बाज़ार में मिल जाता है, तो आप परचेस करके ला सकते हैं। तो मैंने बस इसे ना क्लोज़ करके पीछे से फिल किया है और जो भी एक्स्ट्रा है उसे निकाल लिया है। देखिए यहाँ पे साइड में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा था, मैंने उसे निकाल लिया है। तो अभी देखते हैं और निकाल के देखते हैं कि शेप किस तरह से आया है। वाव, आप देख सकते हैं परफेक्ट मोदक शेप, कितना शाइनिंग है और परफेक्ट है। गणपति पापा का फेवरेट बोलते हैं मोदक। इट्स रेडी फॉर दी प्रसाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मोदक एक रेडी है। तो चलिए बाकी के बचे हुए मोदक भी मैं ऐसे ही बना लेती हूँ इसी तरह से। आप ऐसे भी बना सकते हो या मोल्ड ओपन करके आप उसके अंदर स्टफिंग कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। दोनों स्टाइल से चली जाता है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप हाथों से राउंड शेप में गोल बना के उसको ना मोदक का शेप दे सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। ऐसे नहीं कि आपके पास साँचा रहना ही है, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए मेरा दूसरा मोदक भी रेडी है।
तो चलिए दूसरा मोदक भी रेडी है। और अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट देती हूँ इसके अंदर। मैंने यहाँ पे ना चॉकलेट थोड़ा सा मेल्ट करके रखा हुआ था, डेरी मिल्क चॉकलेट। बस मैं अभी इसको ना थोड़ा सा मोदक के मोल्ड के अंदर ऐसे थोड़ा सा स्प्रेड कर लूँगी हाथों से। देखती हूँ, ट्राई करती हूँ कुछ अलग बनाने का। तो देखिए दोनों साइड मैंने थोड़ा थोड़ा सा डाल लिया है। बाद में है ना इसे लॉक करके सेम प्रोसीजर पीछे से मैं इसके अंदर मावा का स्टफिंग दे दूंगी। चलिए अब इसे ओपन करके देखते हैं। वाह, आप देख सकते हो कितना अच्छी तरह से आ चुका है ये मोदक। बस थोड़ा सा ट्विस्ट दिया था, चॉकलेट लगा दिया था साइड में। मावा और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन तो सभी का फेवरेट ही रहता है। कितने अच्छी तरह से निकल के आया है। यू कैन ऑल्सो ट्राई विथ अ डिफरेंट वराइटीज़। अगर आपको ये मावा मोदक पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। तो see you all tomorrow with a new blog. Till then, take care. Bye-bye.